आपको दिखाते हैं यूपी की वो तस्वीर जो समाज की ऊंची सोच का एक नतीजा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शिक्षा के हब कहे जाने वाले इलाके ग्रेटर नोएडा से सामने आया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक लड़का एक लड़की पर डंडे बरसा रहा है। लड़की के साथ एक लड़का भी मौजूद है, इस पर भी लगातार डंडे बरसाए जा रहे हैं। वारदात ग्रेटर नोएडा के बिस्फ्रक इलाके की है। लड़का मोबाइल से इसका वीडियो भी बना लेता है। लड़के इन लड़कों से दया की भीख मांग रही है, लेकिन ये लड़के लगातार इन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। एक लड़का गौतम बुद्ध नगर के बिस्फ्रक का नाम लेते हुए सुना भी जा रहा है इस वीडियो में। इससे ऐसा लग रहा है कि कोई प्यार का या प्रेम प्रसंग का मसला है। अब तक ये नहीं पता चल पाया कि पिटाई क्यों की जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? एंटी रोमियो दस्ता किस काम का है, और क्या कोई कानून अपने हाथ में इस तरह से ले सकता है? कोई भी शख्स खुद जज बन सकता है क्या? क्या कोई भी कानून तोड़ सकता है और सरकार सिर्फ देखती रह जाएगी? योगी जी, ऐसी वारदातें आपकी छवि पर दाग लगा रही हैं। ऐसे समाज में गुंडों पर सख्त कार्रवाई किए जाए, और इसकी मांग हर तरफ से उठ रही है, क्योंकि उत्तम प्रदेश बनाने का सपना आपने दिखाया था और वो सपना अभी अधूरा ही नजर आता है। देखिए, एक वीडियो संज्ञान में आया है, आप लोगों के द्वारा इसकी ओर संज्ञान आकर्षित किया गया है, दिखाया गया है, और थानाध्यक्ष को मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। शीघ्र ही हम लोग ये जो कोई भी लड़के हैं उनको ट्रेस कर लेंगे, और ट्रेस करके उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।